कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो जो है गांव के ब्लॉग यही चल रहे हैं। तो ये ब्लॉग जो है कलश यात्रा का मैंने ब्लॉग आप लोग साथ शेयर किया, अगर आप लोगों ने नहीं देखा हो तो प्लीज़ चैनल पे जाके जरूर देखिएगा। तो ये जो है सेकेंड डे या थर्ड डे इस तरीके का है। तो काम की वजह से बीच में कोई भी मिल ही नहीं पा रहा था टाइम, तो थोड़ा थोड़ा जो भी मैंने क्लिप रिकॉर्ड की है वो आप लोग साथ शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पे काम वाम करके हम लोग फ्री होके सब लोग बैठे हुए थे, क्योंकि कथा जो होगी शाम को होती है 4 बजे से। तो बस यहाँ पे अपना जो भी टाइम पास चल रहा था। और ये देखिए पूनम को यहाँ पे चल रही है पूनम के साथ मस्ती। फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए बन रहे हैं घर। तो जो है छोटा सा जो है नवरिया लग रही थी परेशान करने, घर बनाओ घर बनाओ। तो यहाँ पे हम लोग लग गए थे छोटा सा जो है घर बनाने के लिए। घर क्या बनाया, एक होटल टाइप का, वो ज़्यादा ढाबा उस टाइप का बना के रख दिया है। तो जो है खेलती रहेगी और उसका मन लग जाएगा। अकेली अभी कोई था भी नहीं, तो इस वजह से तो यहाँ पे वो लग रही है अपने काम करने के लिए। पास से दिखाती हूँ आप लोगों को लकड़ी वगैरह लगाने में, तो उसमें जो भी है दिमाग चलता रहता है। तो अच्छा लगा हो तो आप लोग प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा कि किस किस ने अपने बचपन में इस तरीके से घर बनाए हैं मिट्टी के। शाम यानी कि 4:30 का टाइम था और कथा स्टार्ट हो गई थी। तो कथा स्टार्ट होने से पहले जो भी है पूजा पाठ किया जाता है, तो वही है पापा है, मम्मी है, ताऊ जी हैं, ताई जी हैं। तो यहाँ पे पूजा पाठ चल रही है। पूजा पाठ होने के बाद में सारे देवी देवताओं की पूजा करने के बाद में जो है फिर कथा स्टार्ट होती है। तो आप लोग स्वअवसर भगवान क्षत्रिय को ही मिलता है। यदि तुम अपने धर्म के अनुसार इस संग्राम को यहाँ पे जो है कथा पूरी होने के बाद में पापा की जो है इच्छा थी कि यहाँ पे मंदिर है गांव में, तो पार्क बोलते हैं उसको, तो यहाँ पे भोले बाबा का मंदिर और सब जो है बड़े बाबा का मंदिर है। तो यहाँ पे इच्छा थी पापा की सुंदरकांड करवाने की। तो बस यहाँ पे वहाँ से कथा वगैरह से पूरा फ्री होके तो यहाँ पे शाम को जो है रात को भी रात ही हो गई थी सुंदरकांड हुआ था। तो यहाँ पे जो है पापा रामायण वगैरह जो सब लोग जो भी हैं गाने वाले सबकी जो है रामायण की पूजा की, सबको तिलक लगा रहे हैं। और जैसे ही भी इच्छा होती है मैं माँ कुछ बोला होगा तो करवाते हैं। यहाँ पे हर मंगलवार जो है सुंदरकांड भजन इस तरीके के कीर्तन वगैरह होते रहते हैं और पापा भी आते रहते हैं। तो हमारे घर से थोड़ी दूर पर ही है ये मंदिर। गांव के अलग ही वो होते हैं कि हर मंगलवार को मतलब सब लोग अपने आप ही आ जाते हैं, शहरों में तो बुलाते हैं तब भी नहीं आते हैं लोग आग। तो यहाँ पे देखिए पापा सबको जो है तिलक वगैरह कर रहे हैं और इसके बाद में फिर जो है बैठ जाएंगे। और हम लोग जो आए थे, हम लोग भी आए थे, तो हम लोग जो है पूरी खीर पूरी बना के लेके आए थे तो कन्या कराने के लिए। तो रात में तो हमको मिली नहीं, एक दो जो है बुलवाई थी तो उनको ही खिला पिला के फिर हम लोग चले गए थे। और ये जो है सुंदरकांड रात भर तक चला हुआ था। नब्बे तेजा जय।
की जय। की जय की जय 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 जय। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो है जो देवता की भगवान जी की स्थापना करनी है ना, तो उनको जो है सात चीज़ों में जो है वास करवाना था। तो एक दिन जो है मतलब गेहूँ वगैरह में करवाया, और ये जो है सात तरीके के पत्ते लेके आए थे उसमें वास करवाया। तो होता है जो भी है, मैंने भी पहली बार देखा था इस तरीके की चीज़ें जो है स्थापना होती है। तो भगवान जी को इस तरीके से रखते हैं, गेहूँ में कहीं पानी में रखा, दूध में, इस तरीके से अलग अलग तरीके से चीज़ों भगवान जी को वास करवाया था। और बीच में जो है अभिषेक भी हुआ था। तो अभिषेक की जो है क्लिप मैंने ली ही नहीं पाई, क्योंकि उस टाइम है ना इतना पानी की ज़रूरत पड़ती है, और गांव में तो आप जानते हैं लाइट वगैरह की परेशानी कितनी पड़ती है। तो लाइट थी नहीं, और जो भी है थोड़ा बहुत, और गर्मी की वजह से जेड में पानी भी कम ही था, 5 मिनट 2 मिनट चलाते उतना ही पानी आ पाता था। तो जैसे तैसे हमने उसको इकट्ठा किया पानी को, और पानी को इकट्ठा करने के बाद में टैंक में भरा था, और फिर पानी लाने ले जाने में ही जो है टाइम चला गया, और वीडियो बनाने का कुछ ध्यान ही नहीं रहा, क्योंकि अभिषेक करते हैं तो उसमें पानी चाहिए होता है। तो बस यहाँ पे जो है सब जो है जगह को शुद्ध करके और अच्छे तरीके से चीज़ों को, तो भगवान जी को अब यहाँ पे वास करवाया था। ये शायद 36 या 48 घंटे 2 दिन के लिए वास करवाया था। तो आप लोग बताइएगा कि आप लोगों के यहाँ कभी कुछ ऐसा हुआ है, किसी ने देखा है क्या नहीं। तो मैंने तो ये पहली बार देखा था, तो अच्छा लग रहा था, और गांव में चीज़ें होती हैं तो और अच्छा लगता है, और अपने घर में होती हैं तो और भी सब कुछ देखने को मिलता है। तो यहाँ पे हमारे यहाँ बीजेश्वर माता है, गौर बाबा है, और भी देवी देवता है। तो ये हैं तीनों, और इनकी स्थापना की हुई है। तो आगे जो है एक वीडियो और आपको ब्लॉग मिलेगा जो गांव का है, जो हवन वगैरह का है, तो वो भी थोड़ा बहुत ही है, तो मैं आप लोग साथ शेयर करूँगी। तो यहाँ पे जो है भगवान जी को जो है स्थान दे दिया है, और अभी इनको जो है 36-48 इनका तो याद है मुझे कि 48 घंटे का यहाँ पे वास दिया गया था भगवान जी को। तो बस यहाँ पे देखिए दूसरे दिन या तीसरे दिन का होगा, तो जब भी है 4th-5th दिन का तो याद तो है नहीं। यहाँ पे देखिए भगवान जी भी रखे हुए हैं, और कथा वगैरह स्टार्ट हो गई है, अब मतलब रामायण जी आरती क्या बोल रही हूँ मैं। तो बस यहाँ पे आप लोगों को अगर ब्लॉग अच्छे लग रहे हों या फिर थोड़ा बहुत भी अच्छा लग रहा हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और मुझे सपोर्ट करें, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।